हेलो, राम राम प्यारे बच्चों। तो आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2, गॉस की प्रमेय। तो उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आती रहे। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 12 हमको दिया गया है कि 500 न्यूटन कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र तो रूप से वायु में लटकी है। जल की बूंद के आवेश की गणना की। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जल की जो बूंद है एक लटकी हुई, उसके आवेश की गणना करें। मान लीजिए ये हमारे पास एक जल की बूंद है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये हमारे पास एक जल की बूंद हो गई। तो इस पे एक हमारे पास बल लगेगा QE, ऊपर की तरफ जो बल लगता है वो होता है F बराबर QB, और एक नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण की वजह से लगेगा तो ये होगा F बराबर mg। ठीक है, तो ये संतुलन की अवस्था में रहेगी। ठीक है, संतुलन की अवस्था में रहेगी तो इसकी कुछ रेडियस भी होगी हमारे पास। ठीक, तो देखिए हम देखा स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है, यानी कि ठीक। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, हमें देखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई द्वारा लिखते हैं। ठीक है, तो ई बराबर हमको कितना दे रखा है, 500 न्यूटन प्रति कूलम, ये वैल्यू हमको दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक, आगे देखिए और क्या देखा कि 10⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या की, यानी कि हमको आर बराबर भी हमको दे रखा है, कितना दे रखा है हमको, 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, इसको हमने कितना कन्वर्ट कर दिया है, मीटर में इसको हमने चेंज कर दिया है। ठीक, आगे देखिए हमको और क्या दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे हमको फाइंड करना है आवेश, यानी बूंद का आवेश फाइंड। तो हमारा क्यू हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक, अब देखिए ये संतुलन की अवस्था में ये ऊपर की तरफ लग रहा है और ये हमारा बल नीचे, यानी संतुलन की स्थिति में क्या होता है, संतुलन की स्थिति में, ठीक है, देखिए संतुलन की स्थिति में क्या होता है, एफ बराबर हमारे पास हो जाता है QE और बराबर हमारे पास होगा mg। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं QE बराबर mg, ये होता है संतुलन की कंडीशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, Q हमें निकालना है, E की वैल्यू हमको दी गई है, G की वैल्यू हमारे पास होती है गुरुत्वीय त्वरण है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, ये वैल्यू उसकी होती है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता दे तो आप इस वैल्यू को नोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो m है, तो आपने सूत्र पढ़ा होगा कि विलयन का आयतन बराबर द्रव्यमान बराबर, तो हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, देखिए तो हम लोग जब निकालेंगे द्रव्यमान बराबर, ठीक है, तो द्रव्यमान हमारे पास है, तो द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व इंटू आयतन, क्या होता है घनत्व इंटू आयतन। तो घनत्व को कहीं कहीं डी से लिखा जाता है और कहीं कहीं रो से भी लिखा, तो घनत्व इंटू आयतन। ठीक, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, डी बी, या किसी किसी में रो से भी नोट किया तो ये रो हो जाएगा। ठीक है, रो इंटू बी, तो देखिए यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं, तो क्यू ई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा रो इंटू बी, और ये हो जाएगा हमारे पास जी। अब देखिए रो जो है हमारे पास, रो की जो वैल्यू होता है, यानी घनत्व तो कितना होता है, तो ये घनत्व हमारे पास होता है 10³ kg/m³। ठीक है, और ये बूंद जो है वो गोल है हमारे पास, तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³ होता है। ठीक, तो इसको हम लोग समीकरण बन डाल के अभी छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस वैल्यू को फाइंड कर देते हैं। चलिए हम लोग इस वैल्यू को क्या करते हैं, पहले हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, ठीक, तो देखिए फाइंड जब हम करेंगे इस वैल्यू को, तो देखिए यहाँ पे कितनी आएगी हमारे पास, ठीक है, देखिए यहाँ पे R बराबर हमारे पास ये दे रखा था हमको। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो देखिए B बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 π की वैल्यू आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, 3.14, ओके, इंटू आर क्यू, आर क्यू वैल्यू है 10⁻⁶, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4/3 × 3.14 × 10⁻⁸ हो जाएगा −18, ओके, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इन वैल्यू को सब सूत्र में हम लोग रख देते हैं।
देखिए एफ बराबर हमारे पास क्या है, ये क्यू ई। तो देखिए हमारे पास क्यू हमको निकालना था, तो क्यू को हम लोग ऐसे रखें, रो रो की वैल्यू कितनी है 10^3 इंटू, इसकी वैल्यू हमारे पास निकली है 4/3 इंटू 3.14 इंटू 10^-18। ठीक है, जी की वैल्यू होती है 9.8। ठीक, अपॉन में कितना आया था हमारा ई, ई की वैल्यू हमको दी गई है कितनी 500, कितनी दी गई है वैल्यू 500 लीटर प्रति क्यूब। ओके, अब देखिए अब इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हमारे पास कितना आएगा, ये हमारा 3 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये भी कर सकते हैं, ये पॉइंट हटा सकते हैं और ये पॉइंट हटा सकते हैं, तो देखिए हमारे पास 3 0 आ जाए। ठीक है, 1 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से, तो इनसे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। ओके, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे Q बराबर कितना बचेगा, ये बचेगा 4/3 इंटू 314 × 10^-18 और गुणा बचेगा 98। ठीक है, और बटे में कितना बचेगा हमारे पास 500। ओके, कितना बचेगा 500 बचेगा। तो इसके हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए ये 2 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Q बराबर इसका गुणा कर लेते हैं, 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, हाँ से 1 बचेगा 4 × 4 = 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 12 इंटू कितना हो जाएगा 98 × 10^-18 इंटू आ जाएगा 10^-2 बटे में कितना बचेगा हमारे पास 5 × 3 बचेगा। ओके, 5 × कितना बचेगा 3। तो ये देखिए हमारा अभी ये डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए अब ये क्या हो जाएगा 1 3 3 और 5 कितना 8 6, यानी 3 से डिवाइड नहीं हो। ठीक, 3 से डिवाइड नहीं हो तो हम क्या करते हैं इसका अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। देखिए मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 12 56 गुणे हम लोग करेंगे 98 का, तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा 30 8 8 गुणा कितना हो जाएगा 10^-20 बटे में कितना बचेगा 15। तो इसमें हम लोग 15 का डिवाइड कर देंगे, 15 का डिवाइड करेंगे तो 82 05 आएगा, कितना आएगा 82 05। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 82 05.8 आएगा। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 10^-20। तो देखिए अब 3 अंक आगे आएंगे तो हो जाएगा 8.2 × 10^3, 3 पावर कम हो जाएंगे तो कितनी बचेगी पावर यहाँ पे हमारी 17 बचेगी, कितनी पावर बचेगी 17। तो ये हमारा आ गया कूलम, आवेश हमारा निकल आया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन में हमको आवेश ही निकालना था, तो अगर आपको कोई डाउट है क्वेश्चन में और आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम लोग रफ करके दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे, आप लोग देख सकते हैं सभी वैल्यू यहाँ पे दी गई हैं, केवल कुछ फार्मूले जो थे वो यहाँ पे पुट हमको करने पड़े थे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से हम लोग। हेलो डियर स्टूडेंट, तो हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर क्या है 13 कि एक आवेशित तेल की एक बूंद को 3 × 10^4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है। ठीक है, यदि इसका द्रव्यमान हमको दिया गया है 9.75 × 10^-16 किलोग्राम हो तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा यानी क्यू की गणना करनी है, बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं यानी हमको इलेक्ट्रॉन कितने वो भी हमको बताने हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको जो वैल्यू दी गई पहले आप उन वैल्यू को छांट लीजिए। ठीक है, सबसे पहले काम आप ये कीजिए जो वैल्यू आपको दी गई छांट देंगे, न्यूटन प्रति कूलाम है यानी ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है, तो ई बराबर हमारे पास हो जाएगा 3 × 10^4 न्यूटन प्रति कूलाम। ओके, ये वैल्यू आपको दे रखी है और वैद्युत संतुलन की स्थिति में है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है तेल की बूंद, ये हमारे पास तेल की बूंद होगी, तो इस पर एक वैद्युत बल लगेगा एफ, एफ बराबर होता है हमारे पास क्यू ई। ठीक है, तो एक गुरुत्वीय बल भी नीचे की तरफ लगेगा, एफ बराबर होता है एम जी। ओके, तो ये दोनों क्या संतुलन की स्थिति में है हमारे पास, तो एम बराबर हमको क्वेश्चन में ही गिवन दैट है, कितना दे रखा हमको 9.75 × 10^-16 देर का। ठीक है, क्या देर का मात्रक इसका भी देर का के जी।
ओके अब देखिए एफ बराबर क्या होता है, ये वैल्यू ये फार्मूला था जी जो हमारा है स्मॉल जी, ये होता है गुरुत्वीय त्वरण, इसकी वैल्यू होती है 9.8 इंटू 10 टू दी पावर, सॉरी 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 पावर नहीं होती है, पावर इसका यूनिट जो होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसे हम अप्रोक्सीमेट में 10 भी यूज कर सकते हैं, अगर हम 10 रखना चाहें तो 10 भी हम रख सकते हैं। ओके तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ बराबर ये फार्मूले होते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा क्यू ई बराबर हमारे पास हो जाएगा एम जी, ठीक है, क्यू ई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा एम जी हो जाएगा। ओके तो देखिए यहाँ पे क्यू की वैल्यू हमको निकालनी है, तो देखिए क्यू बराबर हो जाएगा एम जी और अपॉन में ई, अब वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, देखिए एम की वैल्यू आपको क्वेश्चन गिवन है कितनी है 9.78, ठीक है, इंटू 10^-16 दिया गया हमको, इंटू जी की वैल्यू होती है 9.8 होती है, अपॉन ई की वैल्यू हमको दे रखी है क्वेश्चन में 3 × 10^5, ये 5 है, ठीक है, 5 × 10^4 कितना हमको दे रखा है 4 दे रखा है, ठीक। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या मिलेगा हमको, एक कैलकुलेशन हम लोग करते, इंटू आप लोग कीजिए जल्दी से, देखिए जब आप इंटू करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 9.75, ओके, इनटू रहेगा हमारे पास 9.8 और ये पावर रहेगी 10^-16, ओके, ये पावर हमारे ऊपर आ जाएगी तो ये भी हो जाएगी माइनस का 4, अपॉन में कितना बचेगा 3 बचेगा, अपॉन में कितना बचेगा 3 बचेगा हमारे पास। तो देखिए 3 का अगर इसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, 12 और 9, तो ये 3 से अप्रोक्सीमेट कट जाएगा, देखिए इसको हम काटेंगे 3 बन जा, ये चला जाएगा 3 × 3 = 0.32 और 3 = 5, तो हमारे पास ये कितना है 3.25 है, कितना है 3.25, ओके। कितना है 3.25 आ गया, ओके। अब देखिए यहाँ पे इनटू में हमारे पास है 9.8, ठीक है, और ये पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी माइनस का 20, क्लियर, पावर कितनी हो जाएगी माइनस की 20 हो जाएगी। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हमारे पास कितना आएगा, आप इंटू करके देख लीजिए, 9.8 का जब आप इंटू करेंगे तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास आ जाएगा कितना हमको इंटू करना है 3.25 इंटू करेंगे हम लोग 9.8 से, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 3.185, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आएगा 3.198 इंटू रहेगा हमारे पास 10^-20। अब देखिए ये पावर हमारे पास ऋणात्मक है, पावर हमारे पास कैसी है ऋणात्मक है, तो इसको हम लोग इस तरीके लिख सकते हैं, देखिए क्यू बराबर हमारे पास हो जाएगा 3.1 और ये हो जाएगा 9 × 10^-19 कूलम, ठीक है, आवेश हमारा निकल आया। अब उसने ये बोला था क्वेश्चन में कि जो आवेश है उससे कितने इलेक्ट्रॉन, क्या पूछे थे हमसे, इलेक्ट्रॉन पूछे थे, ठीक, क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया था हमको, एक बार क्वेश्चन रीड आप अवश्य करें, देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया गया था कि आवेश तो हमने निकाले, बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बतानी है, तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं आपको किस तरह, एक फार्मूला होता है हमारे पास क्यू बराबर एन ई, क्या होता है फार्मूला, क्यू बराबर आपने फार्मूला देखा एन ई, ठीक है, और जो हमारा ई होता है इसका आवेश होता है 1.6 × 10^-19 होता है, ठीक। तो देखिए जब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्यू की वैल्यू है कितनी 3.19 × 10^-19, अपान में आ जाएगा कितना 1.6 × 10^-19 बराबर, ये कितना आ जाएगा हमारे पास,
ये बराबर में हमारे पास आ जाएगा एन। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट में अगर देखें, इससे ये चीज कैंसिल हो जाएगी, ये 3.12 ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने निकले हैं, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो तेल की बूंद थी हमारी उस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियरली आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जिससे हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन 14 आपको क्या दिया, फिजिक्स का क्वेश्चन है क्लास 12। क्योंकि क्वेश्चन आपको दिया गया कि तेल की एक बूंद जिस पर 12 इलेक्ट्रॉन आधिक्य में, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है आधिक्य में है, 2.25 × 10⁴ कितना, 2.25 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर है। तेल का घनत्व जो हमको दिया गया वो 1.25 × 10³ दिया गया हमको, ठीक है, और बूंद की त्रिज्या हमें ज्ञात कर, बूंद की त्रिज्या हमें ज्ञात कर। तो देखिए हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमको वैल्यू दे रखी, सबसे पहले हम वैल्यू लिख, देखिए हमारे पास यहाँ पे एन बराबर हमें दे रखा है 12 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं 12, ठीक है। तो देखिए क्यू बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास आएगा एक फार्मूला होता है एन ई, ठीक है, तो यहाँ पे एन हमारे पास है 12 और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है हमारे पास 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है, तो इतने कूलाम तो हमारे पास क्या हो जाएगा आवेश, क्लियर। आगे देखिए, अब हमारे पास दे रखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई बराबर लिखते हैं, कितना दिया गया हमको 2.55, कितना दिया 2.55 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी है। तेल का घनत्व, घनत्व को हम लोग कहीं कहीं रो से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं डी से भी कर देते हैं, ठीक है, तो दोनों हम लिख दिया हमने, तो रो बराबर हमको कितना दे रखा है 1.26 × 10³ kg प्रति मीटर हमको, ठीक है, मीटर क्यूब। तो बूंद की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी, यानी हमें फाइंड करना है आर, आर हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया। ओके, तो देखिए हमारे पास जब संतुलन की स्थिति में है, बूंद लटकी है, तो हमारे पास क्या होता है एफ बराबर, हमने एक फार्मूला आपको बताया एम जी, और एम जी ही बराबर एक होता है फार्मूला एफ बराबर क्यू ई, तो यानी ये वाले हमारे दोनों बराबर बल होंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एम बराबर एम जी बराबर क्यू ई, ठीक है। अब देखिए जी की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन दैट होती है, नहीं होती तो आप लिख सकते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। ओके, अब देखिए एम की वैल्यू हमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का हम लोग आवेश रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर हम चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला आपको दिखा दूँ, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा अलग तरीके से हमको यहाँ पे चलना है क्वेश्चन में। तो देखिए एम बराबर क्या होता है, एम बराबर जो द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन, कितना होता है घनत्व गुणे आयतन, जो हमारा ये यहाँ पे रो है वो हमारा यहाँ पे घनत्व है, और बी जो है वो हमारा क्या है यहाँ पे आयतन हमको दिया गया है। अब देखिए बूंद जो होती है वो हमारी गोल होती है इस तरीके से, तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³ होता है, कितना होता है 4/3 πr³। तो चलिए हम यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे रो इंटू बी इंटू कितना हो जाएगा जी, और बराबर हो जाएगा क्यू ई। ओके, अब हमें यहाँ पे निकालना क्या, त्रिज्या निकालनी है, तो देखिए रो की वैल्यू हमारे पास दी गई है हमको, कितनी दी गई है, तो अभी हम रो ही रखते हैं इंटू यहाँ पे रखेंगे 4/3 πr³, और बराबर कितना है हमारे पास क्यू ई। ओके, अब देखिए इसको हम लोग साइड भेज देंगे, तो हमारे पास आर क्यू बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3qE/, ये 3 उस साइड चला, अपॉन में कितना आ जाएगा रो इंटू पाई, रो इंटू पाई और इंटू 4, ये हमारा अपॉन में आ जाएगा, ठीक। अब इनकी हम लोग जो वैल्यू हमको दी गई थी क्वेश्चन में वो वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए वैल्यू हमको क्या दी गई थी यहाँ पे, 3 क्यू की वैल्यू हमने निकाली थी 12 गुणे
1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। ओके, और तीव्रता हमें कितनी दे रखी थी, तीव्रता हम लोग देख लेते हैं कितनी दे रखी थी हमको, तीव्रता हमको दे रखी है 2.25, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2.55 गुणा 10 की घात 4, ये वैल्यू हमको दे रखी थी। ठीक, लेमडा की भी वैल्यू हमको दे रखी थी, सॉरी घनत्व हमें कितना दे रखा था, तो हमें यहाँ पे घनत्व भी रख लेते हैं, कितना दिया गया हमको 1.26 × 10³ इंटू हमारे पास पाई की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे 3.14 इंटू, और हमारे पास क्या दे रखा है हमको, और हमको यहाँ पे दे रखा है 4, कितना दे रखा हमको 4, तो ये वैल्यू हमारे पास हमको दी गई। ठीक है, तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पे रख लिया, क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम यहाँ पे जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो देखिए हमें पहले मल्टीप्लाई करना हो। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको करके दिखाते किस तरीके से आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए पहले तो इसका मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा, देखिए इससे ये कट जाएगा, कितना बार जाएगा 4 बार जाएगा, तो नो सॉरी सॉरी 3 बार जाएगा, 3 तरका कितना हो जाएगा 9, ये हो गया 9 × 1.6 × ये हमारे पास हो जाएगा कितना 2.55 इंटू, देखिए ये 19 है पावर और ये प्लस की 4 है, तो हमारे पास बचेगा 10 की घात माइनस का 15 बचेगा अपॉन में कितना है 1.26 है इंटू 3.14 है इंटू 10 की घात को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या है, इसका आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे देखिए कितना है 9 इंटू करेंगे 1.6, ठीक है, और तो हमारे पास आ जाएगा 14.4 इंटू करेंगे हम लोग 2.55 और ये हो जाएगा हमारा 10⁻¹। ओके, अपान में हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते तो कितना 1.26 इंटू कितना 3.14, तो ये हमारे पास आए 3.9564 आएगा, इतने का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, कितना 14.4 यानी 14.4 इंटू 2.55, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36.72 बटे में कितना बचेगा 3.9564, ठीक, गुणा कितना 10 की घात माइनस का 18। अब देखिए इसमें जब हम लोग डिवाइड करेंगे कितने डिवाइड करेंगे हम लोग 3.9564 से, तो ये हमारे पास निकल जाएगा 9.2811, इतने ही लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है 10⁻¹। ठीक, तो इतनी वैल्यू हमारे पास ये निकल के आ गई। ठीक है, यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया, अगर किसी बच्चे को यहाँ पे अगर डाउट है तो वो बच्चा हमसे पूछ सकता है अभी कमेंट बॉक्स में, वो बताएगा तो हम उसको सॉल्व करके भी सिखा देंगे। तो ये जो वैल्यू निकली है ये हमारी निकली है आर क्यू बराबर, कितनी निकली है आर क्यू बराबर, ये वैल्यू हमारी निकली है। तो इस वैल्यू को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हमारे पास आंसर आ जाएगा, देखिए आप लोग यहाँ पे ये हमारे पास इसको हम लोग आर बराबर निकालेंगे तो ये इस साइड हमारी वैल्यू पहुंच जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये कितना है 9.82 है, ठीक है, ये कितना है हमारे पास 18 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं इसको हम लोग 10⁻⁶ अगर -6 लिख लेंगे उसकी पावर कितनी कर देंगे 3, तो ये बाहर ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 9.281, ठीक, कर्डिम कितना आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 10⁻⁶, कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। ओके, तो इसको आप रूट से बाहर निकाल लीजिएगा, तो जब आप रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, आप लोग फैक्टर करके आप लोग देखिए, 9 पॉइंट है यानी कि 9 पॉइंट का मतलब होता है 10, 9.82 का मतलब अप्रोक्सीमेट 10 हो जाता है, कितना हो जाता है फ्रेंड 10 होता है, और 10 का आप फैक्टर नहीं निकाल सकते, तो हमारे पास क्या हो जाएगा देखिए, तो अप्रोक्सीमेट में आप इस वैल्यू को लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि तो हम इसको लिख के आपको बता दें तो R बराबर हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी वैल्यू, ये इसको हम लिख सकते हैं 0.98
अप्रोक्सीमेट में हम लिख दिया यहाँ पे, ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी, पावर कितनी हो जाएगी हमारी 6। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट पीछे की तरफ जाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 9.82 गुणा 10^-7। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारा आंसर निकला, लेकिन हमें आंसर कितने दिया गया था देख लेते हैं हम लोग। आंसर हमारा दिया गया mm, कितने दिया गया है mm में दिया गया। ठीक है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, mm में आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको mm में आंसर चाहिए है तो आप mm में आंसर को निकाल सकते हैं। देखिए mm में आप किस तरीके लिखेंगे, मैं यहाँ पे mm में यहाँ पे को लिख के दिखा, रूट से बाहर आप अंडर रूट से निकालना है तो आप निकाल लीजिए, अगर नहीं निकाल पाते हैं तो आप हमें बताइएगा, हम आपको निकालना भी सिखा दें। ठीक, तो देखिए इसको हमें, ये हमारे पास mm में अगर हमको लेके जाना है तो हम लोग क्या करें, 10^-3 से डिवाइड करेंगे, तो इससे ये पावर हमारी कट जाएगी, तो कितना बचेगा 4। तो ये आ जाएगा 9.82 × 10^-4 mg। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर mm में, आंसर mm मिली। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 15 हमको दिया गया है कि 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए, कितना आवेश दिया जाए कि चालक के परस्पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाए। यानी कि E बराबर आपको दे रखा है 900 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये वैल्यू आपको दे रखी है, और आपको क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है R बराबर हमें दे रखा है 0.1 मीटर। ठीक है, हमसे पूछा गया है क्यू हमारा क्वेश्चन। तो देखिए गोलीय चालक के लिए E बराबर होता है हमारे पास एक फार्मूला 1/4π ε0 ठीक है q/r। ठीक, ये हमारे पास वैल्यू होती है। तो देखिए यहाँ पे E की वैल्यू हमको दे रखी है, ठीक है, और हमें क्या निकालना, आवेश निकाल। ठीक है, तो E की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9×10^7 कितना हो जाएगा, तो बराबर इसकी वैल्यू होती है 9×10^9 इंटू क्यू हमें पता नहीं, ठीक, अपान आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हमारे पास 0.1 है, तो हम इसको लिख लेंगे कितना, देखिए जीरो यहाँ पे लिखेंगे 0.1 स्क्वायर है तो 0.1 दो बार हो जाएगा, तो ये पॉइंट जब हम लोग हटाएंगे तो 10^7 हमारा 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इससे हमारा ये कट जाएगा और 9 से हमारा 9 कट जाएगा। ठीक, तो हमारे पास कितना बचा, 1 बराबर बचा 10^9 इंटू क्यू, तो देखिए Q बराबर हो जाएगा 1/10^9। तो हम इसको इस तरीके लिख सकते हैं 10^-9 कूलाम। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2010 और 2022 में भी आया हुआ है, 22 यहाँ पे पढ़ा नहीं है क्योंकि हमारे पास जो किताब थी वो पुरानी किताब थी। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप एक दो बार सोल्व करके जरूर देखिए, ईजी क्वेश्चन है, पहली ही बार में आपको क्वेश्चन लगाना आ जाएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू। राम राम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 गॉस की प्रमेय से, यानी वैद्युत फ्लक्स। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप क्वेश्चन को एक दो बार सॉल्व कीजिएगा, लगाना आपको आ जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको एक ही बार में आपको क्वेश्चन लगाना सिखा दूंगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले को 1 माइक्रो कूलाम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है। ठीक है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। नंबर एक, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। नंबर दो है, गोले के पृष्ठ पर। और नंबर तीन है, गोले के भीतर केंद्र से 0.4 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक, तो देखिए जो जो चीज आपको यहाँ पे दी गई है, जो जो चीज आपको यहाँ पे दी गई है वो सभी वैल्यू आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए आप लोग किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है आर बराबर, कितना दे रखा है आपको, आर बराबर आपको दे रखा है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। इसको हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10×10^-2 से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10^-1 मीटर। ओके,
और अगर हम और थोड़ा सॉल्व करना चाहेंगे इसको तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। ओके, ये हमारा आर बराबर निकल आया। क्यू बराबर हमको कितना दिया गया है, क्यू बराबर हमको दिया गया है यहाँ पे 1 माइक्रो कूलाम। कितना दिया गया हमको, 1 माइक्रो कूलाम हमको दिया गया है। ठीक है, तो माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज कर लीजिए तो ये हो जाए 1×10⁻⁶ कूलाम। ओके, 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁶ कूलाम। ठीक है, अब देखिए नंबर एक हमें निकालना गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ पे आपको r स्मॉल r बराबर आपको दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है आपको, 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए आप, तो ये हो जाएगा r बराबर 20×10⁻²। समझ रहे हो, 10⁻²। तो इसको हम लोग लिखते हैं 0.2 मीटर। ओके, ये हमारा r बराबर निकला। अब हमसे कहा गया है गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि गोले के केंद्र से बाहर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गोले के बाहर E बराबर। ठीक है, वेक्टर क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला होता है 1/4πε₀Q/r पर गोले के बाहर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आपको दी है वो वैल्यू यहाँ पे आप लोग पुट कर दीजिए। ठीक है, वैल्यू क्या हमारे पास है, 1/E की वैल्यू तो हमको निकालनी है। ठीक है, तो 1/4π की वैल्यू होती है इतनी 10⁻². ठीक है, क्यू का मान हमको दे रखा है 1×10, तो डायरेक्टली लिखते हैं 10⁻⁶। और हमें क्या दे रखा है, आर की वैल्यू हमको दे रखी है 0.2। कितना दे रखा है हमको, 0.2 हमको दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो हमारा 10 ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक, इससे आप इसको काट सकते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 45 आएगा। कितना आएगा, 45। ठीक, 45 पूरे। कितना बचेगा हमारे पास, ये 9 है हमारे पास, ये हमारे पास -6। कितना है, -6। तो हमारे पास ये बचेगा 10³। कितना बचेगा, 10³ बचेगा हमारे पास। कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 45 को पावर सॉल्व किया हम लोगों ने, तो ये हमारे पास E बराबर आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 4.5×10⁴। ये हमारा आंसर R। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए यहाँ पे R स्क्वायर था, तो यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, 0.2 और लिख दीजिए आप। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारे पास अपॉन में अभी है 0.2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.2। अब यहाँ पे जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पॉइंट से, देखिए यहाँ से पॉइंट से पॉइंट हमारा हट जाए, तो हमारे पास कितना बचेगा, 45×10⁴ बचेगा, और अपॉन में कितना बचेगा, 2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 22.5। ठीक, तो देखिए ई बराबर कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2.25, तो ये हो जाएगा 10⁵, उसका मात्रा हुआ न्यूटन प्रति कूलम। तो पहले वाला हमारा आंसर आ गया, आप लोग देख सकते हैं। क्लियर, अब चलते हैं हम लोग थोड़ा आगे क्वेश्चन सेकंड की तरफ। तो देखिए सेकंड पार्ट हमसे क्या बोल रहा है कि गोले के पृष्ठ पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं गोले के पृष्ठ पर। ठीक है, वैल्यू हमारे पास सब रिटन है, आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए नंबर सेकेंड हमारे पास है गोले के पृष्ठ पर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गोले के पृष्ठ पर। तो देखिए आपको क्या क्या वैल्यू आपको दे रखी है, आर बराबर हमको वही चीज दे रखी थी, आर बराबर हमारे पास कितना, 10 सेंटीमीटर था, यानी कि 0.1 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, फार्मूला हमारे पास पाई 1/4πε₀ और ये हो जाएगा q/r। ओके, अब वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 9×10⁻⁶।
9 होती है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन थी कितनी थी, 10 की घात माइनस का 6 था हमारे पास, अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 0.1 इंटू 0.1। ओके तो देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा यहाँ से, तो ऊपर आ जाएगा 10 की घात 2 आ गया। तो देखिए कितना हो जाएगा ये हमारे पास, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की घात, ये हो जाएगा 11 में से 6 जाएगा, तो 10 की घात कितना बचेगा हमारे पास 5, कितना बचेगा 10 की घात 5 बचेगा, ठीक। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 की घात 5। देख लेते हैं हमारा सेकेंड आंसर कितना आ रहा था, सेकेंड आंसर तो ये हमारा आंसर आ, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन को और हम लोग देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या था का मात्रक आप लोग लिखना चाहें तो न्यूटन प्रति कूलम लिख सकते। अब देखिए उसने कहा है थर्ड में बोल रहा है हमसे कि केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूर, ठीक। अब देखिए ये वृत्त था हमारे पास, इसकी रेडियस जो थी वो 10 थी, अब 4 की पूछ रहा था यानी कि कहीं यहीं पे पूछ रहा है अंदर, यहीं पे तो 4 होगा। अब देखिए गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र जो तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी जो होती है वो शून्य होती है, कितनी होती है शून्य, यानी कि तो हमारा E बराबर हो जाएगा 0 हो, ठीक है। E बराबर हमारा कितना होगा 0 आंसर आएगा, ठीक है। इसमें जो आंसर दिया गया है वो गलत है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है गोले के अंदर जो हमारी होगी वो शून्य होगी, और यहाँ पे जो आपको आंसर दिया है थर्ड का वो आंसर गलत है, ठीक है। आंसर कितना दे रखा आपको 3.6 दे रखा, ठीक है, ये आंसर गलत, ठीक है। तो आई होप आज हमने जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।